नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 3 अक्टूबर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपभोक्ता मंत्रालय के साथ मिलकर एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल्स के लिए है। इसके साथ ही इनमें OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी गाइडलाइंस हैं। एडवाइजरी में हिदायत दी गई है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स अपने प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी या सरोगेट विज्ञापन दिखाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया कि विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म समाचारों का उपयोग सरोगेट उत्पादन के रूप में कर रहे हैं, खबरों की आड़ में सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एडवाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 और IT नियम 2021 के तहत जारी की गई है। अगर आप भी इस एडवाइजरी को सीधे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके पूरी एडवाइजरी पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने पाया कि सरोगेट समाचार वेबसाइटों के लोगो भी सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म वाली वेबसाइट के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि न तो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म और न ही समाचार वेबसाइट भारत में किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत है। भारत में सट्टेबाजी अवैध है, यानी इलीगल है। यदि ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लग सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब मंत्रालय ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। जून 2022 में भी ये चेतावनी दी गई थी और अब मंत्रालय ने इसी का रिमाइंडर दिया है। एडवाइजरी में बाकायदा उन वेबसाइट्स के नाम भी दिए हैं और उनके डिस्प्ले विज्ञापन भी दिखाए हैं स्क्रीनशॉट में कि कौन कौन से ये विज्ञापन है, कौन कौन से ये सरोगेट न्यूज वेबसाइट्स हैं। इसमें फेयर प्ले, परिमैच, बेटवे, वुल्फ 777 और 1xBet जैसे ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के प्रत्यक्ष और सरोगेट विज्ञापनों के नाम लिए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सरोगेट विज्ञापन होते क्या हैं? तो सरोगेट विज्ञापन वो होते हैं जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं, उनका विज्ञापन नहीं दिखाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि शराब के जो एड हैं वो सोडे की आड़ में किए जाते हैं, और ठीक ऐसे ही तंबाकू उत्पादनों के जो एड होते हैं वो इलायची की आड़ में बेचे जाते हैं। एक आपने विज्ञापन आपको याद होगा जिसमें बाकायदा शाहरुख खान, अजय देवगन एक एड करते हैं, वो काफी विवादों में है। इसके बाद जब उसमें अक्षय कुमार की एंट्री हुई तो उसपे हंगामा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोग अक्षय कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि वो सरोगेट विज्ञापन करेंगे। इसमें इलायची के नाम पर एक तरीके से गुटके का ही एड है, और जो इन सब चीजों का सेवन करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये विज्ञापन किस चीज का है। तो सरकार ने इसी ओर संकेत किया है कि अगर सरोगेट विज्ञापन दिखाए गए तो उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। इस एडवाइजरी में एक बात और ध्यान देने वाली है कि मंत्रालय यानी के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये साफ किया है कि जो समाचार वेबसाइट्स हैं वो सरकार द्वारा किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो लोग अपने समाचार वेबसाइट्स के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उनके सामने इस एडवाइजरी को एज ए प्रूफ रखा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास दो समाधान होंगे जिनकी हम हमेशा बात करते हैं। पहला, या तो आप अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर भारत सरकार द्वारा बाकायदा पंजीकृत होते हैं, उसका अपना एक कानून होता है, उसकी पूरी प्रोसीजर होती है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर आप अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके माध्यम से आप अपना न्यूज़ वेब पोर्टल यानी डिजिटल मीडिया भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप अखबार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके क्षेत्र की खबरें इग्नोर हो रही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस एडवाइजरी का आप पालन करेंगे। अगर इस संबंध में आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।